आपने रोड से बाहर निकलिए, आपको ये कहते भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो, कौन है, तो आप अपना आई कार्ड किस प्रूफ दोगे, तो क्या हक से आ रहा जो आपने वोट डाला है। वोट डालने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया, तो पहले आपको पहचान पत्र लेकिन आपको पता ही नहीं, और है तो पता नहीं है कहाँ, है तो पता नहीं है कहाँ। और अभी जब मतगणना हुई थी तो हमारे पास बहुत ये शिकायतें आई कि गौटिया में आबादी है 1 लाख, ये 50,000 और वोट मात्र 10,000 के, तो बाकी जो थे 50,000 के थे 40,000 वो कहाँ गए, वो कहाँ गए, कि हमारा समाज पिछड़ा वो नहीं है, दानिशमंद लोग सबसे ज्यादा हमारे समाज में है, लेकिन वो है क्या, जब साथ आए नहीं तो वो भी अलग चले गए, आप भी अलग चले गए। मेन वजह ये है, जैसे आपको दिलचस्पी नहीं, दिलचस्पी नहीं है। आज मेन एकता का विषय है यार, सबको जोर दिया गया है, और मैं अब्दुल रहमान मेरा नाम है, मैं भी एक सलमानी ही हूँ, और ऑल इंडिया जमात सलमानी के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य हूँ, और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ, और मौजूदा बरेली मंडल प्रभारी भी हूँ। मनोज, किस वजह में ये पार्टी हुई है, मतलब क्या क्या समाज में, आज हमारा समाज जैसे शिक्षा के, शिक्षा मेन मुद्दा होता है किसी समाज का रहा हो, क्योंकि हिंदुस्तान की मेन बुनियादी नींव जो है वो शिक्षा है, जब वहां पर शिक्षा नहीं होगी, जब हमारे आने वाली नस्ल को कुछ पता ही नहीं होगा कि हमारा देश है क्या, अखंड भारत का निर्माण कैसे हुआ, जब वो पता नहीं होगा तो हमारा देश तरक्की नहीं करेगा। तो इसी उपलक्ष्य में ये मीटिंग रखी गई है कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, उन्हें स्कूल और कॉलेज में एडमिशन दिलाया जाए, और जो गरीब तबके के बच्चे हैं तो उसमें जो हमारी संस्था है वो उनको एडमिशन कराने का काम करेगी, उनको पढ़ाने का काम करेगी। सर और क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? हम इस, देखिए मुद्दा तो इस समय जैसे एनआरसी सीए में चल रहा, उसको हमने जागरूकता दी है कि एनआरसी और सीए कोई घबराने का विषय नहीं है। देखिए वैसे बड़ा एक अफवाह फैला रखी है एनआरसी और सीए, तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप ये जो कानून है सरासर थोपा गया है हम लोगों के ऊपर, जो हिंदुस्तान में जन्मजात रह रहा है तो उसको क्या प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, आखिर क्यों, हमारे बाप दादा यहीं पैदा हुए, यहीं सब कुछ रहे, तो प्रमाण पत्र किस चीज का मांग रहे हैं आप, मुद्दों से भटक चुके हैं आप, मुद्दों की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, महिला के सम्मान की बात करिए, तो आप वो कोई मुद्दा नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ लड़वाने का काम कर रहे हैं। आज से क्या साबित करना चाहते हैं, आपको सत्ता चाहिए थी, जनता ने, जनता जनार्दन ने आपको पूर्ण सत्ता दी, आपको हिंदुस्तान पे पूरे काबिज हुए, तो आपको बेरोजगारी को दूर करना चाहिए था, जो महंगाई थी उसको दूर करना चाहिए था, जो महिलाओं का आत्मसम्मान था उसको बचाना चाहिए था, आपने किसी को बात नहीं की, माननीय मोदी जी से मैं कहना चाहूंगा उन्होंने किसी पे बात नहीं की। अब लास्ट जब चुनाव आने वाले हैं या कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे हैं तो एक मुद्दा ले आए एनआरसी सीए, अब वो भी सिर्फ थोपा गया है, तो ये गलत है, ये अखंड भारत के दिमाग के साथ खिलवाड़ है सिर्फ। अब मुझे बड़ा दुख होता है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए और हिंदुस्तान में आज हमें अपनी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि हम यहाँ पैदा हुए हैं। एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।